मैंने इस पुस्तक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं इसलिए रखा क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दरअसल यही हैं। ये कंपनियां बिजनेस स्कूल ही हैं जो उन लोगों को सिखाती हैं जो व्यवसायी की असल दुनिया की योग्यताएं सीखना चाहते हैं और कॉरपोरेट दुनिया में अच्छी तनख्वाह वाला मध्यम स्तर का मैनेजर नहीं बनना चाहते। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद मुझे लीडर्स से मिलने का अवसर मिला जो असली दुनिया के बिजनेस मालिक थे और जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस शुरू किया था। कई महान शिक्षक थे क्योंकि वो अपने अनुभव से सिखा रहे थे, सिद्धांत से नहीं। बिजनेस सेमिनारों में बैठने के दौरान मैंने अक्सर अपने आप को सीधे दिल से निकली बातों पर सहमति में सिर हिलाते हुए पाया कि बिजनेस की असली दुनिया में सड़कों पर बचे रहने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है। बहरहाल, असली दुनिया की बिजनेस योग्यताएं सिखाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन लीडर्स ने असली दुनिया के मानसिक और भावनात्मक नजरिए या दृष्टिकोण सिखाए जो दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी है। कुछ सेमिनारों में मुझे जो शिक्षा मिली वो अमूल्य थी, पूरी तरह अमूल्य, खास तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने आप को तितली में बदलना चाहता था। सेमिनारों के बाद मैं अक्सर प्रशिक्षकों से बातें करता था। मुझे हैरानी होती थी कि वो न सिर्फ अपने बिजनेस से बल्कि अपने निवेशों से भी बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे। कुछ तो कॉरपोरेट अमेरिका के कई अग्रणी सीईओ से भी ज्यादा पैसे कमाते थे। निश्चित रूप से वो उन प्रशिक्षकों से तो अधिक पैसे कमाते थे जो हमें पारंपरिक बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे। इन प्रशिक्षकों में कुछ और भी था। हालांकि वो अमीर थे और उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उनमें सिखाने का जोश था, उनमें अपने साथी इंसानों की मदद करने का उत्साह था। उनके जोश का एक कारण यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार यह है कि लीडर्स लोगों को ऊपर खींचे, जबकि पारंपरिक कॉरपोरेट या शासकीय बिजनेस इस बात पर आधारित है कि केवल थोड़े से लोगों को ही प्रमोट किया जाए और बहुसंख्यक कर्मचारियों को स्थायी तनख्वाह देकर संतुष्ट कर दिया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के प्रशिक्षक ये नहीं कह रहे थे, अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बजाय वो ये कह रहे थे, आइए ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में मैं आपकी मदद कर दूं। जब तक आप सीखना चाहते हैं, मैं यहां पर आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। हम एक ही टीम में हैं। मेरे लिए ये उस तरह की बिजनेस शिक्षा थी जिसे मैं पसंद करता। इसलिए जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की छानबीन करें तो चोटी के लोगों को खोजें, उन लोगों को खोजें जो इस बिजनेस में सफल हैं, और फिर खुद से पूछें कि क्या आप इन लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं। यकीनन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इतना कुछ सिखा सकती है। ये एक किताब आपको उन सारे डायनेमिक्स और थियरी से रूबरू करवाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनिए रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित ऑडियो बुक बिजनेस स्कूल।